नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड वैक्सीनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए वैक्सीनेशन सेंटरों के चिन्हीकरण एवं आवश्यक उपकरणों के साथ ही मेन पावर की उपलब्धता का प्लान समय पर सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों के बजाय अस्पताल एवं उनके आसपास क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री आवास में मंडलायुक्तों के साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 के बचाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्टों एवं उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराया जाए एवं कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल पहुंचने या किसी अन्य कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए। RT-PCR टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण है तो उनका 100% RT-PCR हो, ये सुनिश्चित किया जाए कि सैंपल लेने के बाद बाहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर व पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटे के अंदर लोगों की कोविड की रिपोर्ट मिल जाए। किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कंट्रोल रूम एवं टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। जो होम आइसोलेशन में है उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाए। कोविड के लक्षण पाए जाने पर यदि कोई टेस्ट कराने से मना कर रहा है तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाए। बैठक में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने अपने विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में कोविड के प्रभाव एवं उनसे रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से उनके जनपदों में टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही वैक्सीनेशन प्लान, आवश्यक तकनीकी कर्मी को, वैक्सीनेशन सेंटरों की स्थापना आदि का पूरा प्लान तैयार करने को कहा, ताकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में यदि वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो निर्धारित मानकों के अनुरूप तदनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रभारी सचिव श्री SK मुरुगेशन, श्री युगल किशोर पंत, DIG श्रीमती रिदिम अग्रवाल सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं श्री हरविंद हाकी, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।